नमस्कार दोस्तों, हमारे एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। राजकुमार राव उन कलाकारों में से हैं जो किसी भी भूमिका में दर्शकों के दिलों में उतर जाते हैं। इस बार राजकुमार राव को पर्दे पर उद्योगपति श्रीकांत बोला की जिंदगी में उतरते हुए देखा जा रहा है। अब इस बायोपिक का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है। वही बात करें श्रीकांत फिल्म की निर्देशक कौन है। तुषार हीरानंदानी के निर्देशन में बनी फिल्म श्रीकांत की इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला की बायोपिक है, जिसमें राजकुमार राव अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुछ समय पहले ही फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी और तब से लोगों का इसका बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, जो आपका दिल छू लेगा। जब मन में जुनून और आंखों में सपने हों, तो चाहे आपके पास कितनी ही कमियां क्यों ना हो, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है श्रीकांत बोला की है, जिस पर राजकुमार राव फिल्म लाने जा रहे हैं। मूवी की क्या होने वाली है कहानी, आइए जानते हैं ट्रेलर को देखकर क्या लगता है। ट्रेलर की शुरुआत श्रीकांत बने राजकुमार राव के लुक से होती है। श्रीकांत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को बताते हैं कि वह देश के पहले नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसके बाद श्रीकांत की जिंदगी में आई परेशानियों की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। 10वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद भी श्रीकांत को 11वीं में साइंस में एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे में वह शिक्षा प्रणाली पर केस कर देते हैं। श्रीकांत की परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। उसे इंडिया का कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता है, लेकिन उसे MIT में दाखिला मिल जाता है। बता दें इस फिल्म में ज्योतिका श्रीकांत की शिक्षिका और अलाया F उनकी प्रेमिका की भूमिका में नजर आ रही हैं। वही कास्ट की एक्टिंग के बारे में बात करें, लोगों को राजकुमार राव की फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लोग इस फिल्म की तुलना विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल से कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये 12वीं फेल फिल्म से भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। लोगों को राजकुमार राव की एक्टिंग भी काफी पसंद आ रही है। वही साथ ही आपको बता दें ये फिल्म 10 मई के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है।